अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो प्लस आप अपनी स्किन केयर को भी प्रायोरिटी देते हो तो आई गेस आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। दिस वन द ऑर्डिनरी पीलिंग सॉल्यूशन, जिसे हम रेड पील सॉल्यूशन भी बोलते हैं। आई नो आप में से आई गेस 70% लोगों ने तो ये देखा ही देखा होगा। इसके अंदर इसकी बेस्ट क्वालिटी ये है कि ये AHA और BHA जो कि बहुत ही फेमस केमिकल्स हैं जो कि आपके स्किन के और आपके स्किन प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं वो होते हैं, और इसके रिव्यूज़ 5 स्टार्स हैं। यस, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे चल रहे हैं, जो कि मैंने आपको रेड पीलिंग सॉल्यूशन दिखाया है। एंड हम उसके साथ साथ प्राइस भी देख लेते हैं। ओके गाइस, सो इस प्रोडक्ट के प्राइस हमें देखने को मिलते हैं 3,000 से 5,000 के अंदर अंदर, लेकिन वो भी विदाउट शिपिंग। सिर्फ आप इसको बाहर मुल्क से पाकिस्तान डिलीवर करवाते हैं, सो ये आपको अप्रॉक्स 6,000 to 7,000 तक का पड़ सकता है। सो अब कुछ लोग सोचेंगे यार ये करता क्या है, तो भाई इसका सीन कुछ ऐसा है कि ये एक पील सॉल्यूशन है जो कि मास्क एक तरह का, जिसे आप लगाते हो उसके बाद इसे एक, जैसे हम चारकोल मास्क यूज़ करते हैं उसकी तरह इसको पील ऑफ कर लेते हो। लेकिन इसके इतने अच्छे रिव्यूज़ हैं क्योंकि इसमें जो चीज़ पाई जाती है वो है AHA 30%, BHA 2%। सो ये चीज़ बेसिकली आपके स्कार्स और एक्नी मार्क्स और इसके अलावा तमाम किस्म के ब्लैक स्पॉट्स को यूं फेड करता है, लिटरल में। इसके बहुत ज़्यादा रिव्यू चल रहे हैं और ये प्रोडक्ट काफ़ी हाइप मार चुका है इंटरनेट पे। तो यहाँ पर जो हमारे पास AHA 30% कंसंट्रेशन में मौजूद है, क्यों ना हम इसको खुद घर पर किस चीज़ में ढूंढ लें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गेस व्हाट, आज हम AHA हासिल करने वाले हैं शुगर केन जूस यानी कि गन्ने के रस से। अब मुझे बाकी सिटीज़ का नहीं पता, लेकिन कराची में आपको जगह जगह गन्ने के रस की रेडी ज़रूर मिलेगी। एंड देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, कंटेंस अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स AHA। सो ये है हमारा किंग प्रोडक्ट जो कि हमें वहाँ 4,000 का मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें शायद 20-30 रुपये में आराम से मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज़ फुलर्स अर्थ, जिसे हम मुल्तानी मिट्टी भी बोलते हैं। क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्नी प्रॉब्लम की और स्कार्स की और क्लॉग पोर्स की, सो इन सब में मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि डीपली आपके स्किन से तमाम क्लॉग पोर्स में डर्ट निकालती है। सो वाइस वर्सा, आपके जैसे डर्ट निकलेगा वैसे ही आपको इंशाल्लाह कभी भी एक्नी नहीं होगी। बस आपने करना ही है कम से कम इसे हफ्ते में ना 2 बार ज़रूर करना। सो अभी मैंने इसको ज़रा क्रंच कर लिया क्योंकि मेरे पास ये पत्थर की फॉर्म में था ना, तो इसको मैंने थोड़ा सा क्रंच कर लिया। छोटा वाला पत्थर लिया था मैंने क्योंकि मुझे इसे फेस पे ही लगाना था, तो इसलिए आपको नेक वेक पे भी लगाना हो तो आप लगा लेना, हाथ पर भी लगा लेना, कोई इशू नहीं है। तो अच्छा हाँ, इसमें ना अभी मैं ऐड करने लगी हूँ पानी। पानी ऐड करके ना मैं इसको थोड़ा सा विस्कस सा पेस्ट बनाऊँगी। सो पानी ऐड करते हैं, 1 चम्मच 2 3 और ये 4 काफ़ी है इतना। अब मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए ना रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ठीक सा पेस्ट बना लेना। तो बस लेट्स गो। सो नाउ वी हैव आर किंग प्रोडक्ट जो कि है गन्ने का रस यानी शुगर केन जूस। अच्छा एक डिस्क्लेमर है कि जब आप इसको शॉप पर लेने जाओगे तो उनको बोलना कि मुझे ये एग्जैक्टली गन्ने का बिल्कुल बिल्कुल प्योर रस चाहिए, क्योंकि वो उसमें सिकरीन और चाट मसाला और नमक और चीनी वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि जाहिर है वो हमारे लिए जूस बना रहे होते हैं। तो आपने उन्हें बोलना है कि नहीं मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं डाल के दें इसमें, जस्ट मुझे गन्ने का रस निकाल के दे दें। एंड आई होप कि वो पैसे मांगेंगे क्योंकि मुझसे भी एक्स्ट्रा पैसे मांगे गए थे। सो इसके फ़ायदे बेतहाशा हैं, इसमें AHA तो पाया जाता है, साथ साथ ये आपकी स्किन को टाइटन करता है एंड साथ साथ आपकी स्किन को बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन भी फ्राहम करता है। सो गन्ने का रस भी निकाल लिया है और हमारी मुल्तानी मिट्टी भी एक थिक और विस्कस पेस्ट बना चुकी है। देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है और आपने भी ज़्यादा पतला नहीं करना है। ठीक है जी, नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ ग्राम फ्लोर जो कि है बेसन। अब इसके फ़ायदे मैं नहीं बताऊँगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप सभी को पता ही है कितना अच्छे से हमारे स्किन के लिए काम करता है। सो यहाँ पर मैंने इसके लिए लिए 1 स्पून एंड दैट्स अनदर गुड स्पून ऑफ बेसन। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गई हैं टोटल 2 स्पून। नाउ आवर लास्ट इन्ग्रीडियंट जो कि है वाइटामिन ई ऑयल, जिसको हम एवियन की कैप्सूल्स के नाम से भी जानते हैं। प्लस मेरे राइट हैंड में जो है वो हिमानी की विटामिन ई ऑयल की बोतल है, कोई भी यूज़ कर सकते हो आप। और ये हमारे पास विटामिन ई की कैप्सूल्स हैं, एवियन की कैप्सूल्स हैं, 400 mg है। ठीक है, जो ग्रीन वाली होती है वो 200 mg होती है। खैर आपको जो सूटेबल लगे आप वो लेना, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी विटामिन ई ऑयल जो कि वसीम बादामी वाला है, क्योंकि बस मुझे अच्छा लगता है ये वाला। सो यहाँ पर मैं इसको तकरीबन 1 कैप्सूल जितना निकाल लेती हूँ, जो कि आई गेस 1/2 टीस्पून भी नहीं होगा, उससे भी कम है ये। ठीक है,
अच्छा हम इसको खैर मिक्स कर लेंगे, बाद में हो जाएगा। फ़िलहाल हमने यहाँ पे यूज़ करना है अब शुगर केन जूस, यानी कि गन्ने का जूस या गन्ने का रस। ठीक है जी। ओके सो मैं सीरियस बताऊँ, मेरी वीडियो तभी डिले होती है क्योंकि मैं इसको टेस्ट करती हूँ कम से कम 3-4 दफ़ा, और अब ज़ाहिर है मैं सुबह शाम करके तो यूज़ नहीं कर सकती। मैं कम से कम 1-2 दिन का गैप लेती हूँ, फिर यूज़ करती हूँ, फिर मैं रेमेडीज़ बनाती हूँ। सो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है जी। सो यहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं गन्ने का रस। आपने करना है ये अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटी यूज़ करना है, जितना आपने बेसन और मुल्तानी मिट्टी लिया है। यहाँ पर हमने इसको डाल लिया, अब बस मुझे इसको मिक्स करना है और फिर बस हमारी रेमेडी रेडी है और इसको हमने अप्लाई करना है, एंड इट्स ऑल डन। ठीक है, बस हमें इसकी एप्लीकेशन करनी है। यहाँ पर आपने लेना है इसको थोड़ा सा, ब्रश से यूज़ करना चाहो ब्रश से कर लो, फिंगर से भी कर सकते हो। बाकी आपने इसका थिक सा पेस्ट अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हाथ पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ, बाकी मैं इसको इंशाल्लाह अभी ड्राई करके भी दिखा दूँगी कि आपको इस तरह वॉश ऑफ किस तरह करना है। ठीक है, पहले हम इसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम ये 1/2 घंटा लेगा क्योंकि मुल्तानी मिट्टी टाइम लेती है। अच्छा जी, सो ये मेरी नेक्स्ट क्लिप है। यहाँ पर ये पूरा ड्राई हो चुका है। अब ना ज़्यादा हाथ मूव नहीं करना, फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपने बात बात नहीं करनी, ना ज़्यादा हंसना है क्योंकि फिर वो एग्जैक्टली रिंकल्स बन जाएंगे जहाँ पे आपके ऑलरेडी रिंकल्स होते हैं, वहाँ पे और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है तो वहाँ पे और रिंकल्स बन जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने ले लिया है टिश्यू। वैसे तो आप इसे रब करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी फेस की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, प्लस हमें अपनी स्किन से ज़्यादा हार्श नहीं जाना चाहिए, तो अगर हाँ आप नेक पे अप्लाई किया या फिर आपने अपने हाथ पांव पे अप्लाई किया तो आप इसे रब कर सकते हो, लेकिन फेस के लिए आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू गाइज कि आप इसे रब करके उतारो। ठीक है, यहाँ पर खैर मैंने हाथ पे लगाया था, मैं इसको रब कर लेती हूँ, थोड़ा सा रब करके दिखाऊंगी, बाकी मैं आपके फेस के लिए दिखाऊंगी। सो यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर थोड़ा सा पानी में डिप कर लिया है। अब मैं इसको पहले मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी गीली करूँगी जो मैंने अपने हाथ पे लगाई थी एंड आप लोगों ने अपने फेस पे लगाई होगी, और फिर मैं उसको रब ऑफ कर लूँगी सिंपली, ताकि हमारा पहले एक्सेस निकल आए। उसके बाद आप इसे ठंडे पानी से या गर्म पानी से वॉश कर लेना। अगर गर्म पानी से वॉश करोगे तो उसके बाद आपको एक बार ठंडे पानी से धोना पड़ेगा, क्योंकि जनाब मुल्तानी मिट्टी और इसके अलावा गन्ने का रस जितने भी हमने भी चीज़ें यूज़ की हैं वो आपके स्किन में पोर्स खोल देगी। सो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप इसको आखिर में ठंडे पानी से एक बार ज़रूर वॉश करें। सो दैट वाज इट फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।